तो स्वागत भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो इंग्लिश वुमेन्स T20 डोमेस्टिक कप चल रहा है, इसका भाई जो आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का सिक्स्थ मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा साउथ ईस्ट स्टार्स वर्सेज सेंट्रल स्पार्क्स के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स के आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी, साथ ही साथ फाइनल टीम जो रहेगी ना वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक से ज्वाइन कर सकते हो आप। सबसे इजी और बेस्ट वे, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। सर्च करने के लिए आपको क्या करना है, @KPMF11 सिंपली बस आपको इतना सर्च करना है। यहां पर आप देख सकते हो सेम आप ये यूजर नेम डालोगे तो भाई आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अभी अगर करंटली बात करें तो भाई 5.8K की फैमिली हमारे चैनल पर कंप्लीट हो चुकी है, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए भाई बात करते हैं यहां पर सबसे पहले वेन्यू की। वेन्यू की यहां से बात करेंगे तो वेन्यू रहेगा भाई वुडब्रिज रोड गल्फ्रीड का, यहाँ पर ग्राउंड रहने वाला है। अगर इस ग्राउंड की बात करें तो ये भाई इस टूर्नामेंट का इस ग्राउंड पर पहला मैच खेला जाएगा। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर मोस्टली मैचेस डोमेस्टिक खेले गए, इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पर बहुत ही कम या फिर एक दो ही खेले गए होंगे, जिनके स्टेट्स भाई अगर खेले भी गए होंगे ना तो देखो मैं सीधी सी बात है भाई झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, मेरे को उनके स्टेट्स नहीं मिले। डोमेस्टिक ग्राउंड्स के यहाँ पर रिकॉर्ड्स है, और अगर यहाँ पर डोमेस्टिक ग्राउंड्स की बात करें तो यहाँ पर ईजिली भाई आपको पता लग जाएगा कि एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट यहां पर आपको देखने को मिलेगी, जहां पर मोस्टली 140 के आसपास का एवरेज स्कोर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर भाई आपके लिए जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन रहेंगे दोनों टीम्स के वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की। दोनों टीम्स अपना लास्ट मैच विन करके आ रहे हैं। सबसे पहले भाई बात करेंगे साउथ ईस्ट स्टार्स की, तो इनकी बैटिंग की बात करेंगे तो भाई ब्रेंडन स्मिथ आपको दिखेंगे ओपनिंग करते हुए, एलिस क्रेंस्टन के साथ 56 रन इन्होंने बनाए, 14 रन बनाए थे भाई ब्रायन स्मिथ ने। एलिस कैप्सी की बात करें तो भाई इन्होंने 14 रन बनाए, इसके अलावा एलाइस डेविडसन रिचर्ड्स की बात करें तो 7 रन इन्होंने बनाए। यहाँ पर ये चार में से कोई तीन प्लेयर या कम से कम दो प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए। इसके अलावा एमा जोन्स आपको पता है भाई मतलब बेहतरीन आपके लिए बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी पॉइंट दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहेंगे। यहाँ पर अगर बात करें गेंदबाजी की तो यहाँ पर आप गेंदबाजी देख सकते हो, एमा जोन्स ने सिर्फ एक ही ओवर डाला था और एक विकेट यहाँ पर निकाला था। इसके अलावा एलाइस कैप्सी की बात करें तो 3 ओवर डाले, 17 रन दिया हालांकि विकेटलेस गई। इसके अलावा एलेक्सा स्टेनहाउस की बात करें तो इन्होंने भाई एक ओवर डाला था विकेटलेस गए। फ्रेसी डेविस की बात करें तो आप देख सकते हो 3 ओवर में 9 रन दिया विकेटलेस गई यहाँ से। इसके अलावा भाई जो यहाँ पर डैनियल क्या नाम भाई इसका डैनियल ग्रोवरी, इन्होंने 4 ओवर डाले और यहाँ पर ये भी विकेटलेस गई। इसके अलावा भाई जो ब्रोनी स्मिथ है ओपनिंग करेंगी प्लस भाई बॉलिंग करेंगी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेयर रहेंगी, 3 ओवर में 1 विकेट इन्होंने निकाला। कैलिया मोरी की बात करें तो आप देख सकते हो 2 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट इन्होंने निकाला। इसके अलावा एलाइस डेविडसन रिचर्ड्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज यहाँ से यही रहेंगी, साथ ही साथ आपको बैटिंग से पॉइंट देंगी। इंपॉर्टेंट क्यों रहेंगी, क्योंकि डेथ ओवर्स में गेंदबाजी आपको डालती हुई दिखेंगी। अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो आपके लिए एक मस्ट हैव पिक रहेंगी, इवन भाई सीवीसी की भी बेहतरीन चॉइस आपके लिए यहां से हो सकती है। अब चलिए भाई बात करते हैं सामने वाली टीम की, तो सामने वाली टीम की अगर यहां पर बात करें सेंट्रल स्पर्क्स की तो ये भी अपना मैच ईजिली विन करके आ रहे हैं। यहां पर पहले इनकी बैटिंग की बात करेंगे तो यहां पर भाई एल्विन जोन्स आपको दिखेंगे टॉप ऑर्डर, भाई इनकी दोनों ओपनर है वो भाई पूरी तरीके से फ्लॉप रही थी, लेकिन उसके बाद वो जो एमी जोन्स है और यहाँ पर एबी फ्रीबोर ने गजब की नोक खेली थी, दोनों ने भाई 52 रन बनाए और टीम को काफी अच्छे तरीके से संभाले। इसके अलावा एमपी कैंपल की बात करें तो आप देख सकते हो 30 रन इन्होंने बनाए। इसके अलावा जीवन डेविस ने यहाँ पर 1 रन बनाया था और नॉट आउट रही थी। गेंदबाजी की ऐसे बात करें तो ईसी वोंग आपके लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे, मोस्टली डोमेस्टिक टूर्नामेंट जितने भी होते हैं वुमेन्स के सब जगह आपको खेलती दिखेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ओवर की गेंदबाजी की 2 विकेट भी इन्होंने निकाले। ग्रेसे पोर्ट्स की बात करें 4 ओवर में 1 विकेट इन्होंने निकाले। सैरा ग्लेन की बात करें तो भाई 4 ओवर में 1 विकेट इन्होंने निकाला। इसके अलावा एमिली आर्नोट की बात करें तो 4 ओवर डाले भाई विकेटलेस गई। इसके अलावा हन्ना एल बेकर की बात करें तो 3 ओवर में 1 विकेट इन्होंने निकाला। डी पेरिन की बात करें तो 1 ओवर में काफी महंगी साबित हुई, 17 रन इन्होंने दिए थे। तो यहां से अगर आपके लिए मैं मतलब जो मेन मेन प्लेयर वो मार्क करके दूं तो यहां पर आप देख सकते हो जो एवेले जोन्स और ईसा वोंग्स दोनों में से कोई एक इंपॉर्टेंट रहेंगे, मेरे हिसाब से ईसी वोंग्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा एमी जोन्स आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे, एबी फ्रीबोर्न को भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से अगर नीचे आप लोगों तो भाई सारा ग्लेन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके लिए जी पोर्ट और हाना एच बाइकर को आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए भाई मैं आपको डेमो टीम बना के दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगेन मैं आपको याद दिला दूँ जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर यूजर नेम से भी आप सर्च कर
कर सकते हो KPM, जैसे आप डालोगे इसके अलावा भाई F11, सिंपली बस आपको इतना सर्च कर लो और आपको यहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा। अब चलिए भाई यहाँ पर आप बात कर लेते हैं डेमो टीम की, तो डेमो टीम में आपको अभी बना के दिखा देता हूँ। विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें तो एमी जोन्स मस्ट हैव पिक रहेंगे, इंग्लैंड की तरफ से आपको पता इंटरनेशनल भी खेलते हैं, एमा जोन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, सोफिया डंकले, यहाँ पर फेयर ब्रेक जो टूर्नामेंट चल रहा था वो इन्विटेशनल फेयर ब्रेक वुमेंस टूर्नामेंट चल रहा था उसमें भाई काफ़ी गजब की फॉर्म में थी और लास्ट मैच में सेंचुरी लगाकर आ रही है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी अगर खेलती है तो आपके लिए गजब की प्लेयर यहाँ से रहने वाली है। इसके अलावा एक कैंपल को आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो, नीचे अगर बात करें तो ई जोन्स को यहाँ से मैं अभी के लिए अपनी टीम में ट्राई करूंगा, अगर आप चाहो तो आप यहाँ से भाई एक रेस्टोन को आप ट्राई कर सकते हो बट अभी के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। यहाँ से बी स्मिथ ए डेविडसन रिचर्ड दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके अलावा एक एफसी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर आप चाहो तो जी पोर्ट्स को ग्रेस पोर्ट्स को आप ट्राई कर सकते हो बट अभी के लिए मैं ड्रॉप करके चलूंगा। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो भाई टी फेरेंट अगर खेलती है तो गजब की प्लेयर रहेंगे, अभी के लिए एफ डेविस और एस आर ग्लेन को मैं अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। नीचे अगर आप बात करें तो भाई के मोरे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके अलावा इसी वोंग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, ओपनिंग करेंगी प्लस भाई यहाँ पर आपको चार ओवर कंप्लीट डालकर देने वाली है, मेरे हिसाब से मस्ट हैव पिक रहेंगे। इवन भाई सी वीसी की दावेदारी में सबसे ऊपर मैं इन्हें रख रहा हूँ। वीसी की अगर बात करें तो भाई बी स्मिथ को मैं अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ, कैप्टन भाई यहाँ से मैं आई वोंग को लेकर जा रहा हूँ, अगर आप चाहो तो एमी जोन्स को भी आप सी वी सी के तौर पर ट्राई कर सकते हो बट जो मेरी फाइनल टीम होगी वहीं पर भाई आपको मेरी फाइनल जो आपको जो मेरी फाइनल टीम होगी ना वहीं पर आपको मेरी फाइनल सी वी सी देखने को मिलेंगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अभी के लिए आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, अगर इसमें कुछ भी चेंजमेंट होता है ना तो उसकी डायरेक्ट अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैच भाई 8:30 पर खेला जाएगा, आपको मेरी टीम 8:20 पर आफ्टर टॉस आफ्टर लाइनअप्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो बस दोस्तों मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।